गुड मॉर्निंग गर्ल्स, हमने अब तक बेलनाकार प्रक्षेप में तीन तरह के प्रक्षेप देख लिए हैं। परसों अपन ने गॉल्स स्टार्ट किए थे, कल गॉल्स खत्म किया था और आज हम कर रहे हैं मर्केटर्स प्रक्षेप। मर्केटर ये व्यक्ति का नाम है, डच कार्टोग्राफर थे, इन्होंने गिरार्डस मर्केटर इनका नाम था। हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखा है मैंने, गिरार्डस मर्केटर, और 1569 में इन्होंने ये प्रक्षेप की रचना की। ये प्रक्षेप बेसिकली नौ सैनिकों के लिए है, क्योंकि उस वक्त हमारे पास इतने सारे यंत्र नहीं होते थे, सैटेलाइट इमेजेस नहीं होती थी, तो नाविकों को अथाह समुद्र में सेल करने में बहुत दिक्कत होती थी। यानी उस टाइम उनके पास बहुत लिमिटेड एक ले दे के बहुत बड़ा ट्रफ कंपस और दूरबीन हुआ करती थी, जिसके सारे वो बड़ी बड़ी सेलिंग्स या समुद्री यात्राएं, सेलिंग मतलब समुद्री यात्राएं करते थे। अब इस प्रक्षेप को हम सिलिंड्रिकल ऑर्थोमॉर्फिक प्रक्षेप भी कहते हैं। यदि एग्जाम में आया सिलिंड्रिकल ऑर्थोमॉर्फिक प्रक्षेप की रचना कीजिए, जिसमें प्रतिनिधि बिंद ये है और अंतराल ये है, दैट मीन्स मर्केटर इज द नेम ऑफ प्रक्षेप। दो नेम, ओआर और मर्केटर बोलो या अथवा सिलिंड्रिकल ऑर्थोमॉर्फिक। अब और दो मतलब है इक्वल, मॉर्फिक है आकृति, शुद्ध आकृति, यानी जिसकी यथाकृति है, जैसा है वैसे ही है। अब इस प्रक्षेप में तीन चार चीजें बहुत आपको याद करने वाली हैं, समझने वाली हैं। पहला तो ये मैंने क्या बोला, नाविकों के लिए है। दूसरा मैंने बोला इसमें दूरी की शुद्धता है, क्योंकि वो समुद्र में एक स्थान से दूसरे स्थान, ये महाद्वीप के महासागर के एक किनारे से महाद्वीप के दूसरे किनारे महासागर के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, तो शुद्ध दूरी है। तीसरा, इस प्रक्षेप में तुम देख रहे हो मैंने एक चार्ट सा बना रखा है, तो ये कैलकुलेशंस हमने नहीं करी, मर्केटर महोदय नहीं करी, क्योंकि उन्होंने गणितीय संपुट लिया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी कि इन्होंने 5 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई, 10 डिग्री की, 15, 20, 25, 30, 40 की, ऐसे इन्होंने कैलकुलेशन करी और कैलकुलेशन करके उसको आर से गुणा कर दिया, तो उन्होंने फिक्स कर दी विषुवत रेखा की लंबाई, 5 डिग्री लंबाई, 10 डिग्री, 15 डिग्री, जो भी अंतराल है आपका। तो मैं आपको भी थोड़ा बड़ा अंतराल दूंगी, इसलिए मैंने ये इस तरह से आपके लिए लिखा है। कि क्यों लिखा है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जाम में आपको ये टेबल मिलेगी, मर्केटर प्रोजेक्शन यदि एग्जाम में आया तो ये टेबल आपको मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग बस सिर्फ आपको आर से गुणा करना है। आर क्या है, पृथ्वी के घटाए गए व्रत का अर्धव्यास, जो अब तक हम करे आ रहे हैं, है ना, आर निकाली हमने हर जगह। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई मैंने, कि आकृति शुद्ध है, दिशा शुद्ध है, और इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश के बाद ये प्रक्षेप बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाता है, यानी 90 डिग्री तो इसमें इन्फिनाइट हो जाती है, प्रकाश इतना फैल जाता है कि ये अक्षांश इसमें आपके मानचित्र में या प्रक्षेप नहीं बन पाता है, ठीक है। अब इसे बच्चों दो बात है, ग्रेट व्रत धरती पर कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रेट व्रत क्या है, ग्रेट सर्किल किसे कहेंगे, दिख रहा है सबको, ये मैंने अभी अफ्रीका का मैप थोड़ा सा बनाया है, ग्रेट सर्किल, टाइम बचाने के लिए बनाती हूँ बेटा, ये सब बार बार बोलने की जरूरत मुझे नहीं होगी। ये क्या है बेटा, ये 0 डिग्री है ना आपकी, 0 डिग्री, इसको हमने क्या कर दिया, ये इस तरह से बनाया, तो ग्रेट सर्किल बन गया, क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो सबसे बड़ा व्रत बृहत सर्किल क्या है, बृहत ग्रेट सर्किल, बृहत वक्र व्रत, ग्रेट सर्किल क्या है, 0 डिग्री, ठीक है, विषुवत रेखा वाला। फिर जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की तरफ जाते हैं तो बृहत सर्किल बदल जाते हैं, ऐसे ही हम यदि यहां से आपके रियाडो जेनेरो से आपका कैपटाउन तक कोई जा रहा है तो ये सीधी एक सीधी रेखा हो गई ना, इसका मतलब ये नहीं कि जहाज बिल्कुल सीधा चल रहा है, यहाँ पे आपकी ग्रेट माउंटेन समुद्र के अंदर डूबी हुई माउंटेन रेंज है, तो इसके आसपास आसपास हो सकता है पथ इसका ऐसे बने, ठीक है, तो ये आपका सर्कुलर पथ बन गया। परंतु जो सीधी लाइन है ये रॉम लाइन कहलाती है और इनको हम लेक्सोट्रॉन कहते हैं। कहने का मकसद क्या हो बच्चों, कि दो स्थानों की निम्नतम दूरी को एक दिशा, सीधी दिशा, ये दिख रहा है आपको सीधी रेखा के द्वारा
दर्शाना, सीधी रेखा के द्वारा दर्शाने को हम रॉम लाइन्स या लेजोड्रम लाइन्स बोलते हैं। अब देखो बच्चों, ये एक मैंने आर्च सा बनाया ना, ये कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया से दी अजन जो कि अरब देश का ये हिस्सा बना है मैंने लाल सागर के मुहाने पर, तो ये एक तरह से क्या बन रहा है, एक आर्च बन रहा है, वक्र बन रहा है, ठीक है। और ये जो है ये सीधी क्या है, रॉम लाइन, एक दिश नौ पथगामनी, ऐसे कुछ इस रेखा के नाम अलग अलग किताबों में एक अलग अलग तरह से लेक्सोड्रम और रॉम लाइन हमने बोला है, ठीक है। अब बच्चों ये देखो, यदि कोई फ्लोरिडा से आना चाहे, फ्लोरिडा से यूके के तट पे कोई आना चाहे लंदन के तट पे, तो ये इस तरह से सर्किल बनेगा, है ना, और ये इसकी लाइन होगी। परंतु कोई क्षेत्र यदि विषुवत रेखा के क्षेत्र में नहीं है, विषुवत रेखा के क्षेत्र में नहीं है, विषुवत रेखा ये आपकी इस तरफ है, सीधा वो वर्टिकल है या टेंजेंट फॉर्म में है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बार बार अपनी दिशा बदलनी, बदलने के लिए मतलब कोई सीधा सीधा सेलिंग कर रहा है तब तो उसको केवल रॉम लाइन्स को फॉलो करना पड़ेगा। रॉम लाइन्स जो है वो एकदम सरल रेखा अधिकतम दूरी में तय हो रही है, और न्यूनतम दूरी में क्या बन रहा है, सर्किल बन रहा है, वक्र बन रहा है, ठीक है। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी विषुवत रेखा के आसपास कोई सेलिंग कर रहा था तो सीधे नौ रॉम लाइन या नौ पथगामनी, एक दिश पथगामनी रेखा को फॉलो करेगा सीधी लाइन के फॉर्म में, और यदि वो है तो बार बार उसको दिशा, ऐसे भी हो सकता है कि सर्किल को ऐसे ऐसे फॉलो करना पड़े, तो इसलिए इसमें ये जो है सेलिंग के लिए प्राचीन समय में, क्योंकि 1569 में बना ये, है ना, 16वीं शताब्दी बना, अभी अपनी 21वीं शताब्दी है, लगभग 400 साल से ज्यादा हो गए, तब उस टाइम पर इस प्रक्षेप की बहुत ज्यादा महत्व थी। बाकी मैंने इसको बता दिया आपको, विषुवत रेखा सरल है, विषुवत रेखा से लेकर के उत्तर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, दूरी अक्षांशों के मध्य बढ़ती जाती है, 80 के बाद अनंत हो जाती है, और उसके बाद इस प्रक्षेप का जो है इन्फिनाइट हो जाता है। बच्चों इसमें सारी दूरियां 0 डिग्री से, यदि हमें 80 डिग्री तक भी दूरी नापनी है ना, तो 0 से ही डिस्टेंस लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट इट डाउन, 0 से ही इंपॉर्टेंट लेंगे, क्योंकि अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं वो लिखिए। इस प्रकार से यदि हम दुनिया का मानचित्र बनाना चाहें मर्केटर प्रक्षेप के ऊपर, तो क्वेश्चन मैंने दिया है, एक मर्केटर प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसमें प्रतिबिंब 1:32 मिलियन है या 32 करोड़ है, अंतराल 20 डिग्री दिया है बच्चों मैंने बड़ा, ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना हो। अब आर है बच्चों वही नहीं, फॉर्मूला सेम वही, पृथ्वी के कटाए गए वृत्त का अर्धव्यास अपॉन आर एफ, तो क्या होगा सोच लीजिए, 640 अपॉन 320, इसे कट करेंगे तो ये कितना आया, 32 से 64 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, इससे 2 सेंटीमीटर, 32 2 64, ठीक है। तो ये क्या आ गई आर। अब विषुवत रेखा की लंबाई को निकालेंगे बच्चों, दूरी विषुवत रेखा की, दूरी विषुवत रेखा की लंबाई कैसे निकालेंगे, 2πr, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2πr को 2 × 22/7 × 2, तो ये कैलकुलेट होकर कितना आया, 12.57 सेंटीमीटर्स। आप करिएगा प्रैक्टिस, फिर बोल रही हूं सवाल कॉपी नहीं करते, सवाल समझ समझ के करते हैं, फिर बहुत सारे उदाहरण खुद ही ले लो, जैसे मैंने 3232 करोड़ लिया, आप 36 करोड़ ले लो, 28 करोड़ ले लो, अलग अलग तरह के आरएफ लेकर सॉल्व कर लो, ठीक है। अब बच्चों ये दूरी जो है हमारी, ये दो अक्षांशों के दो देशांतरों के मध्य की दूरी है ना, देशांतरों के मध्य की दूरी, दूसरी बात, पहला हमने आर निकाला, दूसरा वही विषुवत रेखा का की लंबाई निकाला, तीसरा हम वही देशांतरों की लंबाई निकालेंगे, मध्य दूरी निकालेंगे, तो 2πr × interval upon 360 या देशांतरों की कुल संख्या, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आपका 12.57 है × 20 upon 360
360, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, ये अप्रोक्स आएगा 6.698 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 को 2 से गुणा कर दो, 36 से भाग दो, 12.75 ले लो तो वही सफिशियंट है, नहीं तो 5.7 ना लो तो ज्यादा ठीक है। 12.5 को 2 से गुणा कर लीजिए और 36 का भाग दे दीजिए तो ये आएगा 0.698, दो देशांतरों के मध्य दूरी, क्योंकि अक्षांशों के मध्य की दूरी तो तालिका पे आ जाइए। ये मैंने किससे दिए है, ये आपके मर्केटर महोदय ने दिए है। अक्षांशों के मध्य दूरी आपको निकालनी नहीं है क्योंकि वो इस टेबल से आपको कैलकुलेट करनी है, और ये डिस्टेंस है दूरी। ठीक है, आप देखो बच्चों 20 की अक्षांश है हमारा, अंतराल 20 का है, तो अक्षांश कौन कौन सी बनेगी, 0 तो हमने निकाल ली, 20 40 60 80। अब 20 को हमने क्या करा, 20 अक्षांश का ये डिस्टेंस दे रखा है 0.356, इसको 2 से गुणा कर दिया तो 0.71 सेंटीमीटर आ गया। फिर हमने 40 डिग्री अक्षांश का करा है क्योंकि अंतराल हमारा 20 का है, तो मर्केटर महोदय ने अंतराल दिया 40 डिग्री अक्षांश का 0.763, उसको गुणा कर दिया 2 से तो ये बन गया 1.526। ठीक है, 2 से इसकी जगह पे हम सब क्या कर रहे हैं, जो जिस वक्त जैसा आर एफ दिया है, जो आर आपकी है उस आर एफ से आप इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, ये लीजिए, अब 60 डिग्री का अंतराल दिया उन्होंने 1.317, हमारी आर 2 है, 2 से गुणा किया तो 2.634 आ गया। फिर 80 डिग्री हमारी आर एफ है, 80 डिग्री अक्षांश है, आर हमारा इन्होंने दूरी दी है 2.436, उसको 2 से गुणा कर दिया तो हमारा ये आ गया 4.872। अब ये सारी दूरियां बच्चों 0 डिग्री से ही नापी जाएंगी। अब इसकी मैं प्लॉटिंग करके आपको बताती हूँ। अब देखिए बच्चों इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अपन ने सारी लेंथ अक्षांशों की निकाल ली है ना, तो 0 डिग्री की लंबाई तो हमारी 12.5 सेंटीमीटर, ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली, कितनी 12.5 साल। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है देखने लायक बात, वो समझने लायक बात ये है कि जैसे हमारा अंतराल 20 डिग्री का है ना, तो अब क्या होगा बेटा, 0 से 20 डिग्री का जो अंतर है 0.72, तो 0.72 ये ऊपर यहाँ आ जाएगा और 0.72 ये इधर आ गया। ठीक है, 0 से हमने नापा 0.72 डिस्टेंस, अब 40 पे है 1.56, तो 1.56 बच्चों मैं डबल कर रही हूं बच्चों ताकि आपको दिखेगा। ठीक है, ये आपका 1.52 है ना बेटा, तो 1.5 रख लीजिए बस आप, तो 1 और 2 और ये 5। ठीक है, 0 से ही हमने क्या मार्क करा है 1.526, 0 से ही मार्क किया, ये हमारी 0 डिग्री है। ठीक है, ये विषुवत रेखा हमारी दिख रहा है वीडियो में, दिख रहा है ना 0.2, इज दिस क्लियर। अब 40 डिग्री का हमारा है 2.63, तो 2.63 में मेरा कितना आया 4 और ये 6, थोड़ा छोटा है, जस्ट डबल हो गया ना बच्चों ये, तो ये जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, ये यानी हमने 2.63 कहां से नापा, 0 डिग्री से ही हमने 0 डिग्री से ही हमने 7.71 नापा, 0 डिग्री से ही हमने 5.2 नापा, 0 डिग्री से ही हमने ये नापा। देखो मैंने ये एरो लगा लिया तो समझ में आ गया तुमको, 0 से ही हम सारी दूरियों को उत्तर और दक्षिण नाप रहे हैं। अब 80 डिग्री पर है 4 डिग्री, 4.8 है, यानी 9 हो गया एक तरह से, 5, 6, 7, 8 और 9 एक तरह से 5
ये तो हमने लास्ट पे कहां से नापा, 0 डिग्री से ही नापा। ठीक है, वापस एक बार बोलने की जरूरत है, अब बस इनको आप खींच लो, 40, 60 और ये 80 डिग्री साउथ। देखिए बच्चों, अब वापस मैं एक बार समझा रही हूं आपको, ध्यान से समझ लीजिए ताकि गलती ना हो, गलती होने ना पाए, क्योंकि मैं ये एक ही एक्सरसाइज कराऊंगी, आप फिर वीडियो देख के करते रहिएगा। ठीक है, बहुत टाइम लग रहा है इस वीडियो बनाने में। देखिए, ये 0 डिग्री की लंबाई हमारी 2πr के तहत आ गई थी बेटा, 12.57 आ गई थी, तो ये हमारी 0 डिग्री भी। अब 0 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के लिए अंतराल है, तो हमने जो मर्केटर मॉडल ने डिस्टेंस दिया था 0.356 × 2, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 0.71 आया, तो ये हमने 0 डिग्री से 0.71 दोनों तरफ मार्क कर लिया। ठीक है, तो ये आपकी 20 डिग्री आ गई दोनों तरफ। अब 40 डिग्री के लिए हमने क्या करा, जो मर्केटर मॉडल ने आपको 0.763 दिया था, उसको हमने 2 से हमारी आर से मल्टीप्लाई किया, 1.562 आया। तो देखिए, यहीं से 0 डिग्री से ही हमने ये डिस्टेंस मार्क किया है, तो 40 डिग्री आ गया। ऐसे ही हमने 0 से ही 60 डिग्री को मार्क किया, आपका 2 पॉइंट ये, और 0 से ही हमने 4.9 सेंटीमीटर दूरी को हमने मार्क किया। तो कोई सेंटर नहीं बदलना है अक्षांशों के माप के लिए, केवल 0 डिग्री से ही लगाना है, क्योंकि ये किसी किताब में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, हर अक्षांश के बिंदु, हर लैटिट्यूड के पॉइंट्स को वी हैव टू मार्क फ्रॉम 0 डिग्री। दिख रहा है, एरोस क्लियर कट दिख रहे हैं, ये 80 डिग्री नॉर्थ आ गया, ये 60 डिग्री आ गया, ये 40 डिग्री आ गया, ये 20 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये नॉर्थ है, ये 40 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 80 डिग्री साउथ। अब देशांतरों के लिए तो हमने फॉर्मूला लगाया था 2πr × interval/360 और उससे हमारा आया था 0.69, तो 0.77 दिया आप सारे देशांतर, 0 डिग्री पर आप निशान लगा के 0.77 के खींच लीजिए, और कितने आएंगे, 20 डिग्री से अक्षांशों के देशांतरों की संख्या कितनी आएगी, देशांतर 360 है डिवाइडेड बाय इंटरवल 20, है ना। देखिए, तो 9 एक तरफ, 9 दूसरी तरफ, ये इस प्रकार से बच्चों ईस्ट की सारे ड्रॉ हो गई लॉन्गिट्यूड्स, और ये वेस्ट की हो गई, ये मर्केटर प्रक्षेप आपका कंप्लीट हुआ। अब मैं इसके डिमेरिट्स और डिमेरिट्स बोल चुकी हूँ, पर फिर मैं आपको सारे के सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगी। वापस से बोल रही हूँ, फुल एंड फाइनल जो आपकी टेबल मर्केटर महोदय ने दी है, उसको सिर्फ आपको आर से गुणा करना है। आर क्या है, पृथ्वी के कटाए गए वृत्त का अर्धव्यास, 640 अपॉन जो आरएफ है उससे कैलकुलेट हुआ, तो आज हमारा वो 2 सेंटीमीटर आया, और सारी जितनी दूरियां मर्केटर महोदय ने दी थी, हमने 20-20 के अंतराल से उसको 2-2 से गुणा किया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसको सारी दूरियों को हमने, सारे अक्षांशों की दूरियों को 0 से ही मार्क किया, 0 से 20, 0 से 40, 0 से 60, 0 से 80। ठीक है, इस प्रकार से ये मर्केटर प्रक्षेप आपका बनता है, जो ऑर्थोमॉर्फिक प्रक्षेप है, सैनिकों के लिए बहुत बढ़िया है, और वर्तमान समय में हालांकि इसकी इतनी वैधता नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इट वॉज फर्स्ट अटेम्प्ट बाई गिरिराज मर्केटर, दैट्स वाई इट इज वेरी यूजफुल फॉर सोल्जर्स, नेवल पर्सन के लिए, शिपिंग के लिए, समुद्री जहाजों के नौकायान संचालन के लिए। थैंक यू सो मच।